जला के खाएंगे। अच्छा ये भी खाएगा। अच्छा है। तो गाइस ये है टेस्टी टेस्टी ग्रास हॉपर्स, देखो। तो एक मिल गया है यहाँ पे, ऐसा ही मिलता है केकड़ा। देखो 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 देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रोविंग नागा। तो आज हम जा रहे खेती अकेला सोने के लिए वहाँ पे। तो लो पहुँच गया यहाँ पे खेती भी। तो घर से निकलते हुए शायद 30-40 मिनट हो गया होगा अभी। तो आज कुछ काम था खेती में, और आजकल मशरूम का सीज़न भी है। इतना बारिश हो गया, मशरूम आने का टाइम भी हो, वाह पानी भी आ गया तो ज़रा पूरा फिशरी भी पूरा भर गया है। ये वाला ज़्यादातर ये वाला सूखा रहता था, फिर भी ये भी भर गया। तो आज रात में खाने के लिए हंटिंग करेंगे, मेंढक या कुछ भी मिल जाए वो खा लेंगे। साफ़ करने का टाइम आ चुका है, जो यहाँ पे जो इतना जंगल है ये सब साफ़ करना पड़ता है। तो जो पानी खेती का सीज़न हो गया अभी, हम लोग तो यहाँ इस साइड में तो ज़्यादातर पानी खेती करता है। जो सूखा खेती करता है वो सिर्फ वो क्या वेजिटेबल्स सब्जी के लिए, जैसा कि हो गया कद्दू, कोचू, यम वगैरह और चिली, किंग चिली भी। अभी हम फिशरी जा रहा है, ये थोड़ा हमुक है, इसको वहाँ पे रखेगा फिशरी में। दूसरा टाइप का हमुक है, दिखा देते हैं हम। पास में थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, आजकल बहुत सांप होते हैं, स्नेक होता है। तो हम यहाँ पे छोड़ने वाला है ये, मैं चीज़ दिखा देता हूँ, ये चीज़ छोड़ने वाला है हम। देखो ना, दूसरा टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा टाइप वाला यहाँ पे है, हम लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, ये वाला टाइप का है ये, इस प्रकार का होगा यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला। और अब देने वाला है ये छोड़ने वाला है ये वाला टेस्टी है बोलता है, बहुत टेस्टी है। तो ऐसे धीरे से यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है उसको, देखो। देखो अभी कितना ज़्यादा फ्रॉक है, मेंढक, ये सब मेंढक है यार, देखो वाह इतना ज़्यादा मेंढक। और उसको क्या बोलता है, सिक्का दानो क्या, जो ऊँचे 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 करके कॉन्सर्ट देता रहता है, ये भी खाएगा। अच्छा है, ये ज़्यादातर चटनी बना खाता है, और हर कोई नहीं खाता है, किसी को तो एलर्जिक भी हो जाता है एलर्जी, और किसी को तो पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। तो गाइस मैं कुछ बात शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कुछ व्यूवर्स को कि हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश में आफ्टर रीचिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब इंग्लिश से ब्लॉगिंग करना और मतलब हिंदी से ब्लॉगिंग करना, और बीच बीच में थोड़ा कुछ जो चीज़ हिंदी में मालूम नहीं वो इंग्लिश से बोलना। तो कुछ लोगों को इतना ट्रिगर्ड हो, कुछ लोगों को इतना नाराज़ हो गया कि आके कमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ आते तो बाहर में जो ब्लॉगर है उन लोगों का नकल कर रहा है, मतलब तेरे तो मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, ओवर स्मार्ट हो गया अभी, मतलब ऐसा कमेंट छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया, मतलब ब्लॉगर है भगवान तो नहीं है ना, मतलब नॉर्मल आप लोगों के जैसा ही है। तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया। तो गाइस ये है टेस्टी टेस्टी ग्रास हॉपर्स, देखो हिंदी में क्या बोलता है उसको मालूम नहीं है हिंदी की भाषा में, इतना टेस्टी होता है ये, इतना टेस्टी होता है ये। मैंने ये कैंस ब्लॉक से ही लिया था, इतना टेस्टी है ये।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे धान लगा के रखा हुआ है पूरा, ये पानी खेती के लिए है, मतलब ये सूखा खेती के लिए नहीं है, ये जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो निकाल के और पानी खेती में प्लांट करेंगे, वही होता है सिस्टम। तो अभी यहाँ पे लगा हुआ है धान, देखते हैं खाने का चीज़ मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखो ये मशरूम है, फिर भी ये खाने वाला मशरूम नहीं है, हाँ इसको वो खाने वाला समझ के मत खाना, ये पॉइजनस भी हो सकता है। देखो पूरा डिफरेंट है ना, ये खाने वाला नहीं है, जो हम लोग खाता है ना वो नहीं है, देखने में एक जैसा ही है फिर भी ये खाने वाला नहीं है, वो तो नहीं है। तो यहाँ पे है जो कैंप ब्लॉक में ग्रास हॉपर पड़ गया, थोड़ा चखते हैं कैसा होगा। इतना बढ़िया टेस्ट है रे, मस्ती। चला दी आग, चला दिया है, स्टार्ट हो गया है आग, और बाहर अभी ऐसा है, इस होल एरिया में हम ही होता है अकेला भी। अच्छा है मौसम, देखो उसे बारिश भी नहीं हुआ है और मौसम बहुत अच्छा है। कितना पीसफुल है रे, चलो अभी थोड़ा घूम फिर लेते हैं। ये डब्बा ऐसे बना हुआ कि देखो इधर स्प्राइट का बोतल का है, तो इधर ऐसा करो अंदर घुसा दो और ये छोड़ने से पूरा और बंद हो जाए ऑटोमेटिक है ना। तो एक लड़का ने कमेंट किया था, जब तक ये यहाँ पे जो मेरा फिशरी है तब तक हम सर्वाइव कर सकते हैं फिशरी डिपेंड करके, तो वो सच ही बोला। तो अभी क्या क्या मिलेगा देखते हैं, दूसरा चीज़ भी मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम मेंढक, मेंढक के छोड़ के दूसरा चीज़ भी मिल सकता है जो आवाज़ दे रहे हैं अभी तरक तरक करके, वो छोटा छोटा हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना छोटा है, देखो इतना छोटा है, देखो कैसे उछल रहा है। और ये पूरा ये जो वहाँ पर खुला हुआ है वो पहुँच गए, अभी दबाने से निकल जा रहा है, तो क्या करेंगे जाके और ये वाला रख देता है वहाँ पे, ये एंट्री करके लाएगा, हाँ ये खाली करके लाना पड़ेगा। अच्छा है, अभी यहाँ पे राइस कुक हो रहा है, सारा चावल तो होना चाहिए। सेकेंड राउंड जा रहा है अभी। तो गाइस फर्स्ट हो चुका है, अभी सेकेंड वाला जा रहा है, हम मेंढक पकड़ के अभी ये आज नहीं खाएंगे, ये फल खाने वाला चीज़ है, फल खाएंगे आज। तो थोड़ा हल्का खाने का मन कर रहा है, तो आज थोड़ा दूसरा खा लेंगे, आज ये नहीं खाएंगे, मेंढक नहीं खाएंगे आज। थोड़ा हल्का खाने का मूड हो रहा है, तो ये चाहिए तो जो है स्क्वाश है ये बॉईल कर लेते, इसका चटनी बना के खाएंगे, ऐसा करके राइस के साथ खाएंगे, थोड़ा हल्का करके खाएंगे, सो जाएंगे खाएंगे, ये सब कुछ कल ही खाएंगे। फिलहाल आज के लिए छोड़ देता हूँ, कल
पूरा कुकिंग का प्रोसीजर दिखा देंगे कैसे पका के खा रहे हैं। फिर भी आज रात बाकी है, अभी भी देखो कितना अंधेरा हो गया फ्लैश ऑफ करने से, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। देखो ये सिर्फ ये बॉईल कर रहे हैं, ऐसे ही खाता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोगों, बॉईल ज़्यादा खाते हैं हम लोग, थोड़ा तेल कम खाते हैं। ये हल्का होगा, अच्छा से नींद आएगा, मतलब थोड़ा हल्का वाला खाना खाने का मन कर रहा है विदाउट ऑयल। तो वैसे अभी थोड़ा चटनी बनाएंगे, ये हो गया है किंग चिली, तीन किंग चिली से ना इसको पूरा पीस देगा। उसके बाद ये साफ करके धो के या मैं अंदर सब डिटेल दिखाएंगे। हमारा जो रेंगमा के डायलैक्ट में होता है उसको बोलता है मारखू, उसको बोलता है मर्द सरव। आप लोग के डायलॉग में क्या बोलते हैं कमेंट कर दीजिए, आप लोग के लैंग्वेज में, आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं इसको कमेंट कर दीजिए। देखो ये पकड़ लिया है इसको, ये भी खाता है यहाँ पे, ये बड़ा वाला है। देखो बहुत लोगों को इसमें इसको मतलब ये खाने से एलर्जी हो जाता है, मेरे को नहीं होता है, हम खाएंगे ये जला के खाएंगे। अभी यहाँ पे टमाटर जला रहा है, ये चिली टमाटोस क्रश करने का तरीका यही है। ज़्यादा क्रश करने का काम नहीं है, तो गाइस ये है मेरा आज का खाना। यहाँ पे स्क्वाश बॉयल है, यहाँ पे जो चटनी है वहाँ पे है, मतलब खुवे का, खुवे ये क्या बोलेगा इसको क्या नाम दे ये। तो गाइस अभी खाना तो हो गया है, अभी रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि कल और सुबह बहुत काम है, बहुत कुकिंग करना है, बहुत हंटिंग करना है, तो सोना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, ज़मीन में ही सोएगा। अभी मेरा जो हट का प्रोजेक्ट है स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लकड़ी वकड़ी तो हो गया है फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दिस मंथ के लिए तो अभी ऐसा ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से घर का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा मेरा जो हट का है, क्योंकि बारिश हो रहा है तो अभी कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो गए, कीड़े मकोड़े तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पानी में बॉईल करके पीना चाहिए। ये कप भी 1975 का है, जितने बचपन में था ना, बचपन में जब छोटा था ये कप यूज़ करता था घर में, ये कप ना, ये जो चिड़िया है ये सब कुछ मुझे लॉट ऑफ मेमोरीज में फ्लैशबैक ले जाता है। तो एवरी टाइम सोने के टाइम में ये जो खुला जगह है ना, यहाँ पे ओपन जगह है, वहाँ पे मेरा वो बेड बना के रखा हुआ है, फिर भी ये खुला जगह है ये बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि बुज़ुर्गों को मानना है कि ये ऐसा खुलना नहीं छोड़ना चाहिए, एल्डर्स का बोलना है कि ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा कुछ तो बंद कर देना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, तो ऐसा बंद करके सोना चाहिए। पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आता था कि ये जगह ठीक नहीं है बोल के, नहीं आता था कभी कोई भी इस साइड में नहीं आता था, ये जगह बहुत मतलब वो है हंटा थे बोल के, फिर भी आजकल तो हो गया है, मैं तो आके सोता रहता हूँ यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन, फिर पहले यहाँ पे कोई भी नहीं सोता था, कोई भी नहीं आता था इस साइड में, बहुत हंटा थे बोल के, आजकल तो हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, अरे कल रात सो नहीं सका, पूरा रात भर जगा था, सुबह का 1 बजे तक जगा था, तो फिर भी अभी तो सुबह हो चुका है, देखो इतना उजाला हो गया है, तो क्या करेगा। आज का दिन का एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो गाइस देखो ऊपर आप पूरा ख़त्म हो चुका है, फिर भी एक आइडिया है आपको मॉर्निंग तक जला के रखने का, ये तो मतलब
बुजुर्गों ने सीखा हुआ है हम लोगों को, ये ऐसे ये एक आइडिया है, इसे करके रख देता है तो अंदर यहाँ पे अंदर में आँख होगा। हाँ देखो ये ट्रिक से चलाता है बस्ती लोग, क्योंकि एवरी टाइम ये माचिस से आग तो नहीं जला सकता ना, मतलब ये आग जगला के रखने का एक आइडिया है। ये है आंवला का पेड़, इसका इससे अच्छा से दांत साफ होता है, मतलब नेचुरल वाला टूथपेस्ट, टूथब्रश मतलब, टूथपेस्ट नहीं, ये ना इसका ब्रांच है ना, इससे दांत साफ करेंगे। देखो ये है टूथब्रश, तो क्या करना है इसको, ऐसा करके ऐसा बना देना, उसके बाद जंगल का टूथब्रश। तो यहाँ पे देखो कल रात का जो मेंढक था मर चुका, अभी क्या करना है उसका, इस नाइफ से उसका जो ये है उसका अंदर का गंदगी है पूरा निकाल देना है, मतलब ये नाइफ मालूम कुमार का है शायद, उसने छोड़ दिया होगा जब यहाँ पे आया था। ठीक है ये साफ कर देते हैं, साफ करने के बाद पकाते हैं, नदी में जाकर थोड़ा केकड़ा का उपाय भी करेगा, जुगाड़ भी करेगा। हाँ वो कैटरपिलर वगैरह सब कुछ खाता है, इसलिए तो ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो खा के एलर्जी भी हो सकता है। देखो और जो थोड़ा बड़ा है उसको यहाँ से काट के ऐसा काट के उसका यहाँ पे अंदर का गंदगी है जो ऐसे निकाल देता है। यूट्यूब में ये सब दिखाना कभी कभार डीमोनेटाइज भी हो जाता है, मतलब पैसा नहीं मिलता है, फिर भी हम दिखा रहे हैं व्यूअर्स लोगों के लिए, ऐसा करके साफ कर दिया। हाँ मतलब मेरे कमेंट्स में कोई लोग बोलता है कि आपने साफ़ नहीं किया, साफ़ नहीं किया, सारे साफ करता है। तो पूरा साफ हो चुका है, मतलब इतना टाइम लिया था, इतना टाइम क्योंकि ये छोटा छोटा वाला का भी कर रहा था। अभी टाइम फॉर ऑर्गेनिक किंग चिली, ये तो आप लोगों ने देखा ही हुआ, ये मेरा जो किंग चिली का नगा किंग चिली का ये है, तो अच्छा वाला ही लगा, जो लाल लाल है वो ही खाएगा। तो यहाँ पे है प्याज, अदरक और ये किंग चिली, और जाएंगे यहाँ पे मेंढक ऐसा ही डायरेक्टली, और जाएंगे थोड़ा सा रम, मजाक कर रहा है, रम नहीं है, तेल रखा हुआ है अंदर, थोड़ा सा तेल, इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना में हो जाएगा। और ये है बैम्बू शूट का जो वाटर, नमक भी गया हुआ है वहाँ पे, तो ये देंगे ये बैम्बू शूट का ये वाटर जो है, बस इसको अभी बनाना है यहाँ पे, इतना ज़्यादा आग नहीं देना है, लो फ्लेम पे बनाना होगा। गाइस तो डाके केकरा देखते हैं कैसा होगा, मतलब यहाँ पे जो हम लोग पानी ला के खेती करते हैं ना वो नाला में, इतना वहाँ पे केकरा तो नहीं मिलता है मुझे मालूम है, केकरा वेकरा नहीं मिलता है वहाँ पे, फिर भी शायद एक दो मिल जाए तो चटनी हो सके उसका, मतलब खुबे के साथ। तो एक मिल गया है यहाँ पे, ऐसा ही मिलता है केकरा, अच्छा सराउंडिंग है यहाँ पे, सब खाना मिल जाते हैं, बैम्बू में बैम्बू शूट मिलेगा, ये पट्टा वट्टा भी खा सकता है, ये वाला भी खाता है, वो पट्टा भी खाता है, और जैसे कि यहाँ पे नाला में जो केकरा है या जो चिंगरी मांस वगैरह होता है वो सब कुछ खा सकता है, मतलब पूरा सराउंडिंग खाने से भरा हुआ है। हम लोग को ढूंढना कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे वो करना है, वो आना चाहिए, वही तो है। और
वो जो राइस वगैरह है वो भी खेत में ही लाता है, सिर्फ जो खरीदना है वो है तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल, वही तो है। और मस्टर्ड ऑयल भी इतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता है, ज़्यादातर हम लोग वो पोक का फैट्स यूज़ कर लेता है। तो यह कह रहा सूखा नाला है, सूखा नाला। मॉक्स बोलते हैं इसको, चिप मॉक्स, जैसे कि चिप एंड डेल। ये जो स्टिंकी बीन्स है इसको थोड़ा पानी में भिजा के रखना है तो उसका छिलका निकलने में आराम होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा बाद में। योंगचक बोलता है, योंगचक मतलब शायद ये मीती लोगों का भाषा होगा। योंग मतलब मंकी, चक मतलब भात मतलब खाना, तो मंकी का खाना इंटरप्रेट करने से ऐसे ही होगा। तो गाइस अभी भी यहाँ पर हो रहा है मेंढक का वो डिश, देखो कितना अच्छा से निकल रहा है, वाओ मस्ती। उसका अंडा देखो 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 देखो, हाँ वो है अंडा। और ये है स्क्वाश का बॉयल, मतलब वो चायोटे कलर जैसा ही, प्लेन सिंपल। और एक चटनी भी बनाएगा इसके साथ, मस्ती। अभी ये देंगे यहाँ पे, ये है धनिया और ये है अदरक का जो पत्ता है, अच्छा होता है फ्लेवर के लिए। चटनी जो है कल का जैसा ही है, सिर्फ एक चीज़ आया हुआ है, ये है केकड़ा। छोटा होने से भी ना बहुत टेस्ट होता है, हाँ इसको अंदर इस्तेमाल मत करना, ना छोटा होने से ना बहुत टेज होते, मेरे लिए तो काफ़ी है। तो भी ये हो गया है योंगचक, और उसके किसे छीलना है, उसका छिलका कैसे निकलना है देखो, ऐसे करके, हाँ देखो ऐसा पानी में रखने से नरम हो जाता है, तो ऐसे ही निकलना पड़ता है। देखो इतना अच्छा से निकल रहा है, तो और अच्छा होता है, सिर्फ टॉयलेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को एक चीज़ खा के दिखा देगा, ये सिकारा है, ये टैम टैम करता है ना जो कीटन मारता है, इसका पेट खाली होता है, सिर्फ यहाँ पे खाने का चीज़ होता है। ये लो फर्स्ट, ये गिर गया। अच्छा तो गाइस यहाँ पे बड़ा खाना रेडी हो चुका है, यहाँ पे है चायते और ये है चायते का जो बॉयल किया हुआ सूप है, इसका इसका अच्छा होता है। और ये है ये कड़ा और ये खुबी का चटनी, और ये है योंगचक स्टिंकी बीन्स, किंग चिली, और यहाँ पे है मेंढक, और यहाँ पे है वो जो पट्टा है सरसों का पट्टा। तो ये फुल आइटम हमारा आज खाएंगे, थोड़ा मुखबांग जैसे खाएंगे आज, तो दिखा देंगे जलवा।
ये सरसों का पत्ता कच्चा है ना, बहुत कारा है, जैसा वो प्याज खाने में आता है ना, वही वही जैसा आ रहा है। स्पाइसी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट इनफ, ये चटनी ज़्यादा स्पाइसी है। सूप बढ़िया है, चाय टका अच्छा लग रहा है, मतलब आज मॉर्निंग में इतना भूखा था हम। तो खा लेते हैं बैंड कैमरा, मस्ती मस्ती बहुत अच्छा। गाइस खाना वाना हो गया, अभी घर की तरफ निकल रहा है यहाँ से, अभी भी बाकी है पिक्चर। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गया है घर। तो इस बार का कंटेंट तो इतना अच्छा नहीं था, मतलब ऐसे रैंडम कंटेंट था, फिर भी प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम अच्छा वाला कंटेंट लाएंगे।